Autonomy is an illusion. गाइस स्लैशर मूवी एक ऐसी मूवी है जहां पर जो मार्क्समैन होता है वो इन्हें क्यों मार देना चाहता है इन्हें भी नहीं पता सही से। और इन मूवीजों में जो एक्टर और एक्ट्रेस हैं वो भी परेशान है कि आखिर ये मार्क्समैन मेरे पीछे क्यों पड़ा है और मेरी जान ये क्यों लेना चाह रहा है। स्लैशर मूवी उसे कहा जाता है जो आपकी रूह को हिलाकर रख देगी। तो गाइस यार स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उससे पहले गाइस वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज लाइक कर देना और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो सबसे पहले जो मूवी आती है उसका नाम है स्क्रीम 4। मूवी की स्टोरी की शुरुआत होती है इस मूवी की एक्ट्रेस सिडनी से जो एक किताब लिख रही होती है वो भी काफी ज्यादा हॉरर। और किताब को खत्म करने के बाद ये मिलती है अपने दोस्तों से 10 साल के बाद जहां ये पहले रहा करती थी। वहां जाकर अपने दोस्तों से पैचअप करती हैं और मस्ती मजाक खूब सारी करती हैं। लेकिन गाइस वहाँ जाने के बाद इनके साथ बहुत ही बुरी चीजें होती हैं। जब एक मार्क्समैन इन्हें बुरी तरीके से ढूंढता है और मूवी में जो मार्क्समैन है वो सिडनी को अच्छी तरीके से जानता है और उसकी फैमिली को भी, लेकिन ये इसे क्यों मार देना चाहता है ये तो गाइस आपको मूवी में जाकर देखना होगा। इस मूवी के ढेर सारे पार्ट आ चुके हैं और इसको IMDb की तरफ से 6.1 की रेटिंग मिलती है। अब जो हमारी अगली मूवी आती है उसका नाम है द स्ट्रेंजर। अगर आपके घर कोई स्ट्रेंजर आता है और उसका बर्ताव हमारी तरह नहीं है, अगर वो कहे कि मैं आपके घर रहना चाहता हूँ तो क्या आप उसे रखोगे। इस मूवी की स्टोरी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब कुछ स्ट्रेंजर्स इनके घर आते हैं तो ये कह देती है कि मैं यहाँ आपको नहीं रहने दे सकती, जिससे जो स्ट्रेंजर्स हैं वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। उसके बाद इस मूवी के एक्टर और एक्ट्रेस के पीछे बुरी तरीके से पड़ जाते हैं, मानो कि इसे वो कच्चा चबा जाना चाहते हैं। जब तीन अजनबी इंसान आपके पीछे पड़ेंगे तो गाइस यार लिटरली मैं कह रहा हूँ आपकी भी रूह कांप जाएगी, तो एक बार मूवी जाकर देखना। अब जो हमारी अगली मूवी आती है उसका नाम है यू आर नेक्स्ट। गाइस यार मैं अपने लैंग्वेज में कहूँ तो मूवी नेक्स्ट लेवल की है क्योंकि इसमें एनिमेशन और एक्टिंग और एक्शन काफी कूल डाले गए हैं। इस मूवी की स्टोरी में एक पिता अपने चार बच्चों को लेकर घर में रहता है और वो काफी ज्यादा अमीर है। जब अपने चार बच्चों को लेकर और अपनी पत्नी को लेकर ये सालगिरह मना रहे होते हैं तब इन पर एक क्रॉसबो मैन हमला कर देता है जो तीर धनु जैसे हथियार को पकड़े हुए है। और जब इन पर ये क्रॉसबो मैन हमला कर देता है तो अफसोस इनके बच्चे मारे जाते हैं। ये क्रॉसबो मैन आखिर इनके पीछे क्यों पड़ा है, हो सकता है पैसे की बात हो या फिर इनकी कोई पुरानी दुश्मनी हो। अगर गाइस आप लोगों को भी जानना है तो मूवी जाकर देखें आप लोग। गाइस यार इस मूवी को IMDb की तरफ से 6.6 की रेटिंग मिली है। अब जो हमारी अगली मूवी आती है वो मूवी आती है काफी कूल, हाउस ऑफ वैक्स। अगर आपको ढेर सारी खून खराबी वाली मूवी चाहिए तो ये मूवी आप लोगों के लिए काफी ज्यादा बेस्ट होगी। 1953 में हाउस ऑफ वैक्स को रिलीज की गई, ये इसका सीक्वल है जो 2005 में आई है। मूवी को तो मैं मास्टरपीस नहीं कहूंगा लेकिन अगर कोई अकेले इस मूवी को देखता है रात में तो उसके पसीने छूट जाएंगे। मैं तो कहूंगा कि अगर आप जिस जगह को अच्छी तरीके से नहीं जानते हो तो उस जगह पर बेहतर होगा कि आप ना जाओ। इस मूवी में भी कुछ इसी तरीके की गलती इन्होंने कर दी है। रात में ये रास्ता भटक कर एक ऐसे म्यूजियम ले जाते हैं जहां पर इनका निकलना मुश्किल हो जाता है। किस तरीके का आखिर हथियार इन पर प्रयोग किया जाएगा ये तो आपको मूवी में देखना होगा। अब जो हमारी अगली मूवी आती है उसका नाम है माय ब्लडी वैलेंटाइन। गाइस आपको स्लैशर के साथ साथ फिजियोलॉजिकल थ्रिलर मूवी देखनी है तो ये मूवी आप लोगों के लिए बेस्ट होगी। अगर आप इसे अकेले देखना चाह रहे हैं तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना, वो भी रात में। मूवी को 2009 में रिलीज की गई थी और इसको IMDb की तरफ से 5.4 की रेटिंग मिलती है और इसका जेनर होगा हॉरर एंड थ्रिलर। बात करें इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में तो गाइस इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है 1 घंटे 41 मिनट। इस मूवी का बजट था $1 करोड़ और इन्होंने बॉक्स ऑफिस में $10 करोड़ कमाए। गाइस अगर आप सोच रहे हो कि मैं इसकी स्टोरी बताऊंगा तो आप बिल्कुल गलत हो। प्लीज इस मूवी की स्टोरी मुझसे मत पूछना, मूवी जाकर देखो काफी ज्यादा मजा आएगा। अगर आपको इन मूवीजों को डाउनलोड करने में दिक्कत आएगी तो आप मुझे बताना, मैं इसका लिंक या फिर डाउनलोड करने का मेथड आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। और आपको किसी भी तरीके की मूवी या वेब सीरीज चाहिए तो मैंने उस पर ही वीडियो बना लिया है। तो गाइस इसी के साथ मैं चलता हूँ, वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना और अपने भाई के चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं ऐसे ऐसे वीडियोस लाता रहता हूँ।